तो और भाई लोग और उसकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। मैं हूं आजाद और आज आप लोगों का स्वागत है आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए अनबैन की न्यूज के साथ। मतलब सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं कि जिसने मतलब चैनल जब ग्रो स्टार्ट किया था तब सोचा था कि पबजी खेलूंगा और चैनल ग्रो करूंगा, और करीबन किया था 3000 सब्सक्राइबर मैंने ग्रो किए थे। और फिर उसी से सहायता से मतलब उस पर भी कुछ कॉमेडीज करके या फिर कुछ और करके बहुत सारी चीजें करके करीबन 50+ मिलियन लोग खेलते थे पबजी, बट अब कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खेल रहे हैं पबजी के साथ। हमारा अलग सा लगाव है, वो चाइनीज एप्लीकेशन तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पबजी बैन हुआ था तो सब लोगों ने, मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि आपको क्या लगता है पबजी बैन होगा या फिर अनबैन होगा या फिर बैन ही रहेगा। तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था डायरेक्टली कि अनबैन तो होगा, क्योंकि पबजी डायरेक्टली चाइना का नहीं है, तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि यदि उसको कुछ कमाई हो रही है किसी इंसान से, किसी देश से, तो वो अपना पूरा का पूरा बिजनेस बंद कर दे सिर्फ एक टेंसेंट के टाइप की वजह से। तो ऐसा तो होने वाला नहीं था। हाँ, टेंसेंट के बाद 2020 तक का ये था समथिंग, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट था टेंसेंट के पास 2020 तक का। तो 2020 मुझे ऐसा लग रहा था कि 2020 तक नहीं आएगा मे बी, या फिर उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले मतलब 2020 अभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन 2020 में ही आ जाएगी। पहली बार लग रहा है कुछ 2020 में अच्छा होने जा रहा है। मतलब अभी तक तो 2020 ने तो हमारी कह के ले ली थी, कोरोना का हम पूरा फेस्टिवल मना रहे थे, सारे फेस्टिवल अब खत्म होने वाले हैं, दिवाली लास्ट फेस्टिवल होती है और हम लोगों के छठ भी होते हैं, तो लास्ट फेस्टिवल लग रहा है 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे है, उस तक एक लास्ट बड़ी सी खुशखबरी आ जाए। हाँ, मतलब बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी मेरे पास कि अनबैन होने वाली है, इन सब कंपनीज के साथ टाइप हो रहा है, आप लोगों को भी पता होगा सारी न्यूज़, बट मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं था, वो फेक न्यूज़ कहीं कहीं से निकल के आ रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे थे रिलायंस खरीद रही है, अंबानी खरीद, अरे अंबानी बाप नहीं है सबका, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास, लेकिन गेमिंग कंपनी होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो अंबानी खरीद हर चीज़ में, अंबानी अबे आईपीएल का मैच नहीं चल रहा है अंबानी खरीद लेगा, हर चीज की एक कोई इंसान होता है जो खरीदेगा उस चीज को। फिर बोला किसी ने एयरटेल ने खरीद रहा, फिर एयरटेल को मैं बोला कि अभी तक तो एयरटेल कुछ गेमिंग वाला किया नहीं है, फिर मैंने इसलिए वीडियोस नहीं बनाए किसी भी चीज के ऊपर कि कौन खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है। बट हाँ, जब आज माइक्रोसॉफ्ट का नाम आया है तो भाई साहब ये तो कन्फर्म न्यूज है, और पबजी कॉरपोरेशन खुद ने, क्राफ्टन ने ही पूरा वो डाल दिया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि हम टाइप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट गेम्स के साथ आ रहा है भाई साहब पबजी। अब देखो 15 नवंबर के बाद में भी, ये दिवाली के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कब वो आने वाला है, और डेटा ट्रांसफर और बहुत बड़ी खुशखबरी, हाँ फंबल हो जाता है कभी कभी, तो अब वीडियो को कट तो करेंगे नहीं हम, इसके लिए फंबल भी सुन लो। तो बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि क्या हो रहा है, हम लोग डेटा से परेशान थे कि भाई साहब हमारा जो गन का स्किन है, जो ग्लेशियर का स्किन है M4 का, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, जिसके पास भी है पड़ा हुआ, मेरे पास है वैसे, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान थे कि हमारा डेटा वापस आएगा कि नहीं, वापस आएगा कि नहीं। तो आप लोगों को ये बता दो कि आपका डेटा उसी तरीके से सेफ रहेगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है यार US की, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्या बोलते हैं उसको, पहुंची हुई एक सही जगह पे कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा डेटा इंडिया में सिक्योर रहेगा और हमारा वापस वही अकाउंट हम दोबारा से रीओपन कर पाएंगे। अब देखो पबजी कब तक आ जाए, दिसंबर 15 या दिसंबर 18 के समथिंग में आ जाएगा, और दिसंबर में ही आ जाएंगे, बहुत बहुत चांसेस हैं कि वो, एक तो लॉन्च होने में, गेम लॉन्च होने में टाइम लगता है यार, और उसको तो रीलॉन्च करना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साइन होंगे, ये होंगे, वो होंगे, बहुत सारे पैसे खर्चे होंगे। तो 15 तक मेरे को लगता है, 15-16 को डेट अनाउंस हो जाएगा, कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे कि कब आने वाला है, तो समथिंग देखो, बस हम आस करते हैं कि इस साल ये खुशखबरी ज़रूर आ जाए, दिसंबर 15 में या 18 में कभी भी आ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप लोगों का क्या है सोचना, आप लोगों को कुछ भी न्यूज़ मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नीचे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर @itsmeazad लिखोगे तो हमारा ये थोपड़ा शक्ल आ जाएगा भाई साहब, जिसमें 2000 से ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसे फॉलो कर लेना, और प्लीज़ बहुत सारी चीज़ें मस्ती मजाक करते रहता हूँ, और 4000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे भाई साहब मैं करने वाला हूँ अपने रूम का टूर, 5000 पे बोला था, बट हाँ 4000 पे ही करेंगे हम पबजी आने से पहले ये हमारा रूम टूर, प्लस ये किस तरीके से मैं सेटअप लगा के वीडियोस बनाता हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 4000 सब्सक्राइबर पे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और जितने भी लोग नए हो चैनल पे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन
प्रेस कर देना। और हर दिन मैं 8:30 बजे लाइव आता हूँ, 8:30 से 9:15 के बीच में हर दिन लाइव आता हूँ। कुछ दिनों से नहीं आ रहा हूँ लेकिन अब मैं लगातार आऊंगा क्योंकि पबजी वापस आने वाला है भाई सब, तो लाइव आता हूँ हर दिन, तो आप जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है जिसमें मैं रोस्टिंग वीडियोज बनाता हूँ, कुछ मजेदार गालियों वाले, तो भाई साहब वो वीडियोस भी यदि आप लोगों को देखने होंगे तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और तीसरा चैनल 4000 के पहले ही शुरू कर दूंगा अपने ब्लॉग्स का, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।